नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला जिले के रिसिया थाना अंतर्गत ग्राम खैरी दिकौली का है, जहां पर कल देर रात एक 18 वर्षीय युवक पर रास्ते में पेशाब करने को लेकर दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 हत्या आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि फरार हत्या आरोपी के तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। अनस तारिक की रिपोर्ट। खैरी डिकौली गांव जो कि थाना रिसिया में आता है, आज एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में घर के सामने पेशाब करने को लेकर मारपीट हुई है, जिसमें एक लड़का घायल हुआ था, सुहेल सना विष्णु, जिसकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हुई है। वादी की तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पे बदस्तूर शांति का है। क्या नाम है आपका? नरेश। आज आपके भाई की आपकी मतलब इनकी हत्या हो गई, क्या है मामला? मामला ऐसे हुआ है कि जिसे जो मामला हुआ वो सब रफा दफा हो गया, सुलह हो गया, फिर वो जो रात में गया ये पेशाब करने, पेशाब करे गवा बस इका वहाँ आदमी पकड़ ली, मुँह साध के वहीं मार डाली। कौन लोग मारे हैं? सनेही हैं, मंजीत हैं, रामपाल हैं और मूरत हैं।